नागपुर महानगर कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड नागपुर संचालक मंडल की पंचवार्षिक चुनाव 23 जुलाई को होने जा रही है। इस चुनावी मैदान में परिवर्तन पैनल भी उतरा है। इसी तर्ज पर परिवर्तन पैनल के प्रचार कार्यालय का शानदार उद्घाटन किया गया। नागपुर महानगर पालिका कर्मचारी बैंक संचालक मंडल के चुनाव 23 जुलाई को होने जा रहे हैं। इस चुनाव में 15 साल से सत्ता में रहे हुए पैनल द्वारा जो कार्य हुआ है उसी के विरोध में परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव के लिए परिवर्तन पैनल इस चुनाव में उतरा है, ऐसा सुरेंद्र टिंगने द्वारा कहा गया है। संचालक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक 23 जुलै रोजी होत आहे। या निवडणुकीत जे 15 वर्षापासून तिथे सत्तारूढ पॅनल आहे आणि त्यांनी जे कार्य केलं त्याच्या विरोधात एक मोठ्या प्रमाणात असंतोष असल्यामुळे, त्यांनी भागीदाराच्या हिताचे कुठलेही निर्णय घेतले नसल्यामुळे एक परिवर्तनाची लाट आलेली आहे आणि त्याच्यामुळे परिवर्तन पॅनल आपले 21 उमेदवार या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलेले आहे। परिवर्तन पॅनलचा जाहीरनामा आम्ही लवकरच प्रसिद्ध करणार आहोत, परंतु एक प्रामुख्याने सांगू इच्छितो की ही कर्मचाऱ्याची बँक आहे आणि कर्मचाऱ्याची बँक इतरही ज्या बँका आहे, पतसंस्था आहे, त्यांचे व्याजाचे दर आणि ह्या बँकेच्या व्याजाच्या दरात फार मोठी तफावत आहे। परिवर्तन पॅनल द्वारा जल्द ही जाहीरनामा प्रसिद्ध किया जाएगा जिसमें भागीदारों के हितों का ही विचार होगा। साथ ही टिंगने बोले, हमारा पैनल चुनकर आया तो पारदर्शक कार्य किया जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।